आज हम देखेंगे नंबर सीरीज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक कैसे फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे देखेंगे और बहुत इजीली तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, बहुत इजी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, उससे पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो, जैसे कि अगर यूनिट डिजिट हम लोग को फाइंड करना है तो 1 से 9 तक हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखिए। अगर यूनिट डिजिट के अगर पावर में अगर 1 है तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर 2 है, कोई सा भी डिजिट दिया है उसके पावर में 2 है तो या तो 2 आएगा, 4 या फिर 8 या 6 आ सकता है, ठीक है। अब देखो, मान लो अगर पावर 3 है तो 3, 9, 7 या फिर 1 आ सकता है। अगर 4 दिया है तो क्या होगा, पावर अगर ऑड है तब के केस में 4 आएगा, और अगर इवन है तब के केस में 6 आएगा। मींस कोई सा भी डिजिट है अगर उसका पावर क्या है, ऑड है, जैसे कि 4 का पावर 3 हो गया, ठीक है, तो ये ऑड हो गया तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और अगर इवन रहता तो क्या आता, 6 आता, ठीक। जैसे कि यहाँ पे करेंगे तो 4 × 4 × 4 मीन 64, तो यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया ना, ठीक। वैसे ही अगर 5 आया अगर पावर में तो क्या होगा, 5 होगा। अगर 7, 6 आया तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अगर 7 आया तो क्या होगा, या तो 7 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। अगर 8 आया तो या तो 8 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 2 या 6, ठीक है। अगर 9 आया तो अगर ऑड है तो 9 होगा, और अगर इवन है तो 1 होगा। समझ आएगा ना पूरा कॉन्सेप्ट। मीन्स अगर ये सब अगर पावर में दिया है, कोई सा भी डिजिट है उसके पावर में, 1 दिया तो 1 आएगा, 2 दिया तो 2, 4 या फिर 8, 6 आ सकता है, 3 दिया होगा तो 3, 9, 7, 1 आ सकता है, अगर 4 दिया है तो ऑड रहेगा तो 4 आएगा, इवन रहेगा तो मीन्स विषम संख्या रहेगी तो 4 आएगी, और अगर सम संख्या रहेगी तो क्या आएगी, 6 आएगी, 5 होगा तो 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 7 का क्या होगा, 7, 9, 3, 1 कुछ भी आ सकता है, 8 का 8 का 8, 4, 2, 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर 9 है तो अगर विषम है पावर तो क्या होगा, 9 आएगा, अगर सम है तो पावर क्या आएगा, 1 आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने से क्या है, समझ आता है। हम लोग देखो यहाँ पे कितना ठो एग्जाम्पल लिए हैं, 11 ठो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, इतना में क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, एक शॉर्टकट भी है कि अगर हम लोग, चलो पहले इसको देखते हैं फिर शॉर्टकट को देखेंगे, शॉर्टकट भी हमेशा सही ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 11 को सॉल्व करते हैं, तो 4 × 5 × 8 × 2, ठीक है, तो 8 × 16 = 80 × 320 320 है, ठीक। तो हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, मींस क्या हो गया, 0, ठीक। अब देखो अगर 5 और 2 आया, मीन्स आप लोग डायरेक्ट ही जान जाओगे कि इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा, 0 ही होगा करके, ठीक है, समझ आया ना। तो एक ठो सॉल्व कर लिए हम लोग। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर से, ठीक। फर्स्ट में क्या दिया है, 1623 के पावर में 25, ठीक है, हर फर्स्ट 1623 के पावर में 25 और 64 के पावर में 9, बाप रे इतना बड़ा को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना मैं बताऊंगा, 25 × 64 / 9, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो पावर है, शॉर्टकट जो मैं बोल रहा था, उस पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे पावर को, ठीक। और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसका यूनिट डिजिट का हम लोग क्या लेंगे, पावर लेंगे, ठीक है। और अगर रिमाइंडर नहीं बचता है मीन्स वही नंबर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 25 हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 × 6 = 24, पावर क्या बचा, 1, मीन्स यहाँ पे 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1, कितना इजी है। अब देखो उसका 9 है पावर में, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 4 से भाग देना है, तो 4 × 8 क्या बच गया, 1, रिमाइंडर 1 बचा, मीन्स −4 / 1, तो 3 × 4 = 7। देखो इसका यूनिट डिजिट कितना इजीली निकाल लिया, देखने से कितना डिफिकल्ट लग रहा था, है कि नहीं। एक बार और बता रहा हूँ, देखो 1623 / 25 × 64 / 9, तो हम लोग को क्या करना है, इस पावर को जो है हम लोग 4 से भाग किए, जो रिमाइंडर बचा इसके लास्ट यूनिट डिजिट के ऊपर हम लोग रख दिए, जो 3 के पावर 1 हो गया, और इसमें क्या हो गया, 4 के पावर 1 बचा, तो रिमाइंडर, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा
उसको लेना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक। तो 3 + 4 क्या हो गया, 7 आ गया, समझ आया कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। अब देखो हल क्रमांक 2, चलो इसको सॉल्व करो। 37^27 धन 123^3 रीड 26^100, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 37^27, चलो इसको अगर हम लोग करें तो क्या होगा, 27 को 4 से भाग दो तो 4 × 5 = 24, 4 × 6 = 24, क्या बच गया, 3। मीन्स हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 7^3। देखो इजी सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब देखो 123 के पावर में 3 है, ठीक है। तो अब देखो 3 के पावर में 3 है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 होगा, ठीक। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 के बाद में से 1, 2, 3, 7 होगा, क्योंकि 3 के पावर में अगर 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, 3 = 27, मतलब 7 ही होगा, ठीक है। रीड 26^0, 6^6 क्या है, 100। अगर 100 को हम लोग भाग दे 4 से तो 25 × 100, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 × 7^3 मीन्स ये 341 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 होगा, है कि नहीं, सॉरी 343 होता है 7 का, 343 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 7 = 6 = क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 4 आएगा, ठीक है। अब देखो हल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। हल 3 में क्या दिया है, 11 × 22 / 22 × 33 / 33 × 44 / 44, ठीक। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, अगर ऐसा दिया है मीन्स डायरेक्टली हम लोग को 1 × 2 × 3 × 4, ये हम लोग को कर देना है, 4 × 12 = 24। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। अगर ऐसा वाला दिया है मीन्स 545 के घात में भी अगर 545 आया, मीन्स हम लोग को क्या लेना है, वहाँ पे 545 ही लेना है, ठीक है। मीन्स जो पावर में दिया रहेगा, या तो आप और इसी तरीके से करना चाहते हैं तो 4 से भाग देके भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और देखते हैं चौथा, चौथा नंबर क्या है, 38 के घात में 197। मीन्स 197 को अगर हम लोग 4 से भाग दें, ये शॉर्टकट है और सही रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 × 16 क्या बचा, 3, 7, 4 × 36 क्या बचा, 1, मीन्स 8^1, ठीक है। धन 2017, बाप रे, अब इसको कैसे करें, 2017 4 × 4 = 20, ये तो कट गया, अब 1 और 7 आएगा, हालांकि यहाँ पे 0 आएगा। तो 4 × 16 क्या बचा, 1, मीन्स रिमाइंडर 1 बचा। तो 3^1 = 8 × 3 = 11, मीन्स यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। कितना इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर 5 की बात करें तो 5 क्या है, 13^8, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 4 × 8, मीन्स यहाँ पे 3 × 4 × 8 = 4 × 7 × 5, मीन्स अगर 4 और अगर कहीं पे 5 और 4 आ गया है, मीन्स हम लोग इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं, यहाँ का यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 17 × 15 × 13 × 19 × 11, ठीक है। तो डायरेक्ट इस यूनिट डिजिट को गुणा करो तो 9 × 27 = 144, यहाँ पे भी क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 नंबर पे, यूनिट डिजिट अगर 5 है और हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हम लोग को समझ आ जा रहा है कि यहाँ का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब देखो 1570 के घात में 67 है, तो हम लोग को देखो यहाँ पे क्या करना है, 67 को भाग देंगे 4 से, तो 16 × 64 होगा, ठीक। 16 × 64 क्या बचा, 3। अब 0^3 आएगा, मीन्स इस यूनिट का पावर क्या, इसका क्या है, 0 है, तो इसके पावर 3 आए, मीन्स यहाँ के यूनिट डिजिट क्या होगा,
जीरो ही होगा, ये हम लोग का आंसर है। अब देखो इसको देखते हैं, आठवां नंबर, चलो करो आप लोग। 7 के पावर में 28, अगर 28 को हम लोग 4 से भाग दें तो 4 7 क्या होगा, 28, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। मीन्स 7 धन और 16 14 84, ठीक है। 21 चौक क्या होता है, 84 होता है, 4 2 4 1 कम, ठीक है, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो यहाँ पे 7 धन 7 14 मीन्स यहाँ का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला 9वां नंबर, समझ आ रहा है ना सबको। 1507 के घात में 40 गुणित 1524 के घात में 81, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करो, 7 गुणित क्या होगा, 4 7 4 28, ये 8 हम लोगों का क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। इस तरीके से अगर आप लोग इसको पूरा को जान लेते हो और ये 4 से अगर भाग देना जान लेते हो तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट आप लोग निकाल सकते हो, कैसा भी चाहे दिया रहे, ठीक है। थैंक यू।